नमस्कार। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट चारू शर्मा साहब है। सर, इंडियन टीम पिछला मैच हार गई है इंग्लैंड में, अब उसके पास क्या रास्ते बचे हैं, दो मैच बचे हुए? जी, बहुत कुछ तो पिच पर निर्भर होता है। अब इंग्लैंड के पास हम जानते हैं कि उनके जो तेज़ गेंदबाज हैं हमसे थोड़े से सुपीरियर हैं, और अब लगता है कि उनके स्पिनर भी हमसे सुपीरियर हैं, क्योंकि पिछला टेस्ट मैच हम हारे थे उनके स्पिनर की वजह से। लेकिन चौथी इनिंग्स में 300 कुछ चेस करना आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना इंडियन टीम के लिए ना इंग्लैंड के लिए। तो अगर पासा पलटता, अगर वो लोग चौथा खेल रहे होते, लेकिन वो तो खैर पहले इनिंग्स में उन्होंने जो 500 कुछ बनाए उससे गेम वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन क्योंकि इंडिया एक टेस्ट मैच जीत चुकी है, ऐसा नहीं हमको लगना चाहिए कि इंग्लैंड में हम जीत नहीं सकते, दो टेस्ट मैच बाकी हैं। किस तरह की पिच बनाएगी इंग्लैंड, अब वो भी थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि क्या करें हम, थोड़ा सा उसमें घास ज़्यादा रखें अपने फास्ट बॉलर्स के लिए, या हमारे स्पिनर्स भी काम करें। मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्पिनर्स पर डिपेंड करेंगे, वो घास ही रखेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ अभी रन बनाने की है, और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, एक तो इंजरीज में थोड़ा सा मार खा गए ईशान की वजह से, अब भुवनेश्वर का भी एंकल ठीक नहीं है, तो हमारी जो बॉलिंग का स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होता जा रहा है। और जब तक कि हम अपनी बॉलिंग में को बहुत बड़े चेंजेस नहीं ला पाएंगे तो ये सीरीज़ जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लैंड अपने, देखिए याद रखिए, अपने होम कंडीशन में खेल रही है। अगर किसी टीम को भारी पड़ना पड़ता है, उनका पल्ला भारी होता है, तो वो होम टीम का होता है, क्योंकि उनको कंडीशन मालूम है। अगर उनके बल्लेबाज अपने ही कंडीशन में रन नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। मेरा एक सवाल है, भारतीय बल्लेबाजों में उतना कुछ दम दिखाई नहीं दे रहा, विराट कोहली एक भी मैच में एक भी इनिंग में नहीं खेल पाए, क्या कारण समझ रहे हैं? अभी इंग्लैंड कोई कारण है, वहाँ का जो कंडीशन है वो कारण है, या फिर दूसरा कुछ कारण है? जी नहीं, एक तो कि इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के बॉलर्स के विरुद्ध इंग्लैंड में ही रन बनाना आसान नहीं है। मतलब उनके जो बॉलर्स हैं बड़े तगड़े बॉलर्स हैं, जैसे कि एंडरसन है, स्विंग बॉलर है, और अगर स्टुअर्ट ब्रॉड है, तो सब चीज़ यहाँ चेस्ट पर आती है। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये इनका, ये हर रोज़ खेलते नहीं इंडियन बल्लेबाज। अब देखो, एक दो रन भी बनाए हैं, मुरली विजय ने रन बनाए, कुछ और ने बनाए, स्टुअर्ट ने बनाए रन, लेकिन दबाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर गेंद पर जिस तरह की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और जो विपरीत कंडीशंस हैं, मतलब इंडियन बैट्समैन यूज टू नहीं है, वहाँ रन बनाना हमेशा मुश्किल होगा ही। कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं जो मैदान में जाएगा और सोचेगा चलो आज रन नहीं बनाते, कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में रन बनाना आसान नहीं। तो थोड़ा सा हमको पेशेंट होना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली इज़ वेरी टेक्निकली गिफ्टेड बैट्समैन, जैसे धोनी हुआ, कुछ और हैं, जो शिखर धवन भी टेक्निकली इतना गिफ्टेड नहीं है, रन तो कभी बना लेते हैं, लेकिन हाँ जी, लेकिन विराट कोहली टेक्निकली बड़ा साउंड है। तो उसके लिए थोड़ा सा बस वक्त की ज़रूरत है हमको, और थोड़ा आपको धीरज रखना चाहिए और उम्मीद बनी रहनी चाहिए। चौथा मैच जब होगा तो क्या लगता है कि टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा? जी हाँ, टॉस तो है, लेकिन पिच भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पिच में कितनी घास है। क्योंकि अगर टॉस जीता और हम सोचेंगे चलो बैटिंग कर लें, क्योंकि फिर फोर्थ बैटिंग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंडीशंस, क्योंकि अगर क्लाउडी हैं और पिच में थोड़ी बहुत घास है, तो शायद बोलेंगे चलो फील्डिंग कर लेते हैं। फील्डिंग करने का पहला मतलब ये है कि हम बैटिंग लास्ट करेंगे। तो ये डिसीजंस पिच पर बहुत, एक तो पिच पर, एक मौसम पर काफ़ी निर्भर करते हैं। और मुझे लगता है कि इंडियंस पर में तकलीफ है, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी इस वक्त थोड़ी सी कमज़ोर है, और रन खास तौर से जिनको बनाने चाहिए उनसे बन नहीं रहे। चारू शर्मा, मेरा लास्ट अंतिम सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी ने लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद एक इशारा दिया, एक संकेत दिया कि वो टेस्ट की कप्तानी शायद छोड़ना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो अगला महेंद्र सिंह धोनी यानी कैप्टन बनने लायक है? जी हाँ, क्योंकि भारतीय कप्तान बनने पर जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया अब तक। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अगर वो बोलें कि देखो टेस्ट मैचेस में वो वैसे भी कम खेलते हैं, हालांकि सबसे वो एपेक्स चीज़ मानी जाती है, सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है, अगर वो छोड़ें तो आजकल नाम तो एक ही लिया जा रहा है सिर्फ, विराट कोहली का, और शायद कप्तानी उनको ही जाए। अभी थोड़े से यंग हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं, मंसूर अली खान पटौड़ी से 21 के थे जब कप्तान बने थे, ऐसी बात नहीं है। ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका बहुत यंग थे, तो यंग में कुछ है नहीं, एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास, और कप्तानी करने में कोई हानि नहीं होगी। अगर धोनी भी उसकी वजह से कि अगर ज़्यादा रिलैक्स करके खेल सकें तो भारतीय टीम के लिए फ़ायदा ही होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, चारू शर्मा साहब का कहना है कि जो विराट कोहली हैं उसमें ही कप्तानी का मटेरियल है, और अगर महेंद्र सिंह धोनी जो हैं अगर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेते हैं तो विराट कोहली ही भारतीय टीम का अगला कप्तान होगा। कैमरामैन प्रकाश चंद्रा, ताज़ा टीवी के लिए।